30 अप्रैल 1945 हिटलर सुसाइड कर लेता है। और क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड वॉर टू तब एक्सिस कंट्रीज और अलाइज कंट्रीज के बीच लड़ा जा रहा था, इसीलिए हिटलर के सुसाइड करने के बाद हिटलर की जर्मनी जो कि एक एक्सिस कंट्री थी उस पर चारों अलाइज कंट्रीज मतलब यूएसए, फ्रांस, यूके और यूएसएसआर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेते। फिर 1949 जर्मनी को फॉर्मली दो हिस्सों में यानी दो अलग अलग कंट्रीज में बांट दिया जाता है। जर्मनी का नक्शा कुछ ऐसा दिखने लगता है। इसका एक हिस्सा कहलाता है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जो कि वेस्ट जर्मनी था और दूसरा हिस्सा कहलाता है जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कि था ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी का पूरा कंट्रोल अब ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के हाथों में आ जाता है एंड ईस्ट जर्मनी का कंट्रोल सोवियत यूनियन के हाथों में सौंप दिया जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जर्मनी का बंटवारा तो दो हिस्सों में कर दिया गया था लेकिन जर्मनी का जो कैपिटल था बर्लिन वो ठीक इस हिस्से में सिचुएटेड था और ये हिस्सा पूरी तरह ईस्ट जर्मनी में पड़ता था। अब बंटवारे के हिसाब से ये तय किया गया कि भले ही बर्लिन ईस्ट जर्मनी में पड़ता हो लेकिन बर्लिन को भी दो हिस्सों में बांटा जाएगा। बर्लिन का ये वेस्ट हिस्सा एलाइज के कंट्रोल में होगा और ईस्ट बर्लिन पर सोवियत यूनियन रूल करेगी। अब होता यह है कि सन 1952 में सोवियत यूनियन अपने आप को वेस्ट जर्मनी से पूरी तरह एक अलग कंट्री एस्टैब्लिश करने के लिए इस ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच पड़ने वाली बॉर्डर को पूरी तरह क्लोज कर देते। लेकिन क्योंकि बर्लिन पूरी तरह सोवियत यूनियन के हिस्से में पड़ता था इसीलिए सोवियत यूनियन बर्लिन में किसी भी तरह की कोई बॉर्डर बनाने पर इतना ध्यान नहीं देती। अब इसके कुछ सालों बाद ये देखा जाता है कि ईस्ट बर्लिन मतलब सोवियत यूनियन में रहने वाले जो लोग थे वो धीरे धीरे परमानेंटली वेस्ट बर्लिन मतलब एलाइज की तरफ मूव होने लगते हैं और वहां सेटल होने लगते हैं। अब इसका कारण ये था कि ईस्ट बर्लिन में सोवियत यूनियन का राज था जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास रखते थे। अब इसकी वजह से इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से सोवियत यूनियन में फ्री मेडिकल फैसिलिटीज जैसी सुविधाएं तो थी लेकिन वहां पर बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसा कुछ भी नहीं था। पर वहीं दूसरी तरफ वेस्ट जर्मनी में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल और उनकी अपॉर्चुनिटीज ईस्ट के मुकाबले बहुत बेहतर थी। ईस्ट जर्मनी में किसी भी बाहर की कंपनी को सेटअप नहीं होने दिया जाता था लेकिन वहीं वेस्ट जर्मनी में कई कंपनीज उस दौरान आ चुकी थी जिसकी वजह से वेस्ट जर्मनी के लोगों के पास बेहतर नौकरियां और बेहतर लाइफस्टाइल थी। अब देखते ही देखते 1961 तक 30 से 35 मिलियन लोग ईस्ट बर्लिन को छोड़कर वेस्ट बर्लिन में जाकर परमानेंटली सेटल हो जाते हैं लेकिन कोई भी वेस्ट को छोड़कर ईस्ट में नहीं आता। और जब ये आंकड़ा सोवियत यूनियन की सरकार की नजरों में आया तो 1961 में रातों रात ईस्ट और वेस्ट बर्लिन की बॉर्डर पे एक दीवार बननी शुरू हो गई जिसका नाम था द बर्लिन वॉल। 13 अगस्त 1961 तक ये दीवार बनकर तैयार हो गई थी। ये बर्लिन वॉल जो कुछ ऐसी दिखती थी, इस दीवार के जरिए लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने से रोका जाता था। चेक पोस्ट बनाए गए थे, दीवार पर इस तरह की तारे लगाई गई थी ताकि लोग टापने की कोशिश भी ना करें। सोवियत यूनियन बस किसी भी तरह अपने लोगों को कंट्रोल में रखना चाहता था लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि 9 नवंबर 1989 को हजारों लोग इस तरह से बर्लिन की दीवार के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और सोवियत यूनियन की सरकार की आंखों के सामने इस बर्लिन वॉल को गिरा दिया जाता है। और आज आप जिस व्लादिमीर पुतिन को जानते हो उसका केजीबी के एक आम ऑफिसर से रशिया के प्रेसिडेंट बनने की मेन कहानी भी यहीं से शुरू होती है। सन 2000 में पुतिन के कुछ इंटरव्यूज पब्लिश हुए। उन इंटरव्यूज में पुतिन ने बताया कि जब नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी तो वो उस दौरान केजीबी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर बर्लिन से लगभग 2 घंटे दूर ईस्ट जर्मनी के ही एक दूसरे शहर में पोस्टेड थे। और उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पहले नवंबर में इस बर्लिन वॉल को गिराने के बाद दिसंबर 1989 में हजारों लोगों के एक हुजूम ने पहले ईस्ट जर्मनी के पुलिस हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया और उसके बाद वो हजारों लोगों की भीड़ केजीबी के हेडक्वार्टर की तरफ मुड़ गई। इस चीज ने पुतिन को काफी चिंता में डाल दिया क्योंकि पुतिन को रियलाइज हो गया कि अगर ये भीड़ गलती से भी केजीबी के हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाती है तो केजीबी के हेडक्वार्टर में जो हजारों सेंसिटिव फाइल्स और इंपॉर्टेंट डेटा मौजूद है ये भीड़ उस फाइल उस डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन पुतिन के लिए चैलेंज ये था कितने हजारों लोगों को टैकल करने के लिए उनके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं थे इसीलिए उन्होंने फटाफट रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए सोवियत यूनियन के बड़े ऑफिशियल्स को मॉस्को में फोन लगाया। लेकिन होता यह है कि उस फोन कॉल के जवाब में पुतिन को बस एक सेंटेंस कहा जाता है। उन्हें जवाब मिलता है कि कोई मदद नहीं मिल पाएगी, मॉस्को इज साइलेंट। लेकिन फिर भी उस दौरान पुतिन केजीबी के हेडक्वार्टर्स को बचा लेते हैं और अपने उन्हीं इंटरव्यूज में पुतिन ये भी बताते हैं कि वो एक मोमेंट ऐसा था जिसमें उन्हें रियलाइज होता है कि कैसे कुछ टाइम पहले तक जो सोवियत यूनियन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली एम्पायर्स में से एक था वो कैसे उस पल में टूटने की कगार तक पहुंच चुका था। उनका कहना था कि उस वॉर में उन्हें किसी दोस्त के खो जाने से या किसी चीज के खोने से इतनी तकलीफ नहीं हुई
जितनी तकलीफ उन्हें इस बात से थी कि एक बहुत ही शक्तिशाली एम्पायर यूएसएसआर, जो कुछ टाइम पहले तक लोगों के लिए एक इज्जत का विषय था, वो एक अपमानजनक तरीके से टूट रहा था। नाउ इस मूवमेंट के बाद जो इवेंट्स पुतिन की लाइफ में होते हैं, जो चीजें पुतिन ऑब्जर्व करते हैं, वो इवेंट्स आज एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज जिस रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में आप सुन रहे हो, उस वॉर को शुरू करने से पहले पुतिन ने ज्यादा सोचा नहीं। अब होता यह है कि 1991 में यूएसएसआर डिसॉल्व हो जाता है और आज जिस रशिया को आप जानते हो वो यूएसएसआर के सबसे बड़े रीजन के तौर पर बचा रहता है, लेकिन बाकी 15 देश यूएसएसआर से टूटकर अलग हो जाते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है एक वीक लीडरशिप। मिखेल गॉर्बाचेव, जो उस समय यूएसएसआर सोवियत यूनियन के लीडर प्रेसिडेंट थे, उनकी वीक लीडरशिप, इन्हें एक वीक लीडर के तौर पर इसलिए देखा गया क्योंकि उस समय यूएसएसआर के साथ जो कुछ भी हो रहा था, मिखेल गॉर्बाचेव उसे कंट्रोल करने में फेल होते जा रहे थे। इस वजह से इन्हें रिजाइन करना पड़ता है और इनके बाद जो रशिया के नए प्रेसिडेंट बनते हैं उनका नाम था बोरिस येल्सिन। एंड द फैक्ट इज कि जिस टाइम रशिया में ये सब कुछ हो रहा होता है, जिस टाइम ये प्रेसिडेंट चेंज हो रहे होते हैं, ठीक उसी टाइम पे बाई चांस, लिटरली बाई चांस, पुतिन रशिया की पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं। होता यह है कि उस दौरान पुतिन की मुलाकात रशिया के एक बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर एंटोली सोपचेक से होती है और पुतिन से मिलने के बाद सोपचेक इतने प्रभावित होते हैं कि वो पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बना देते हैं। इस पोजीशन में आते ही व्लादिमीर पुतिन अपने तौर तरीके और अपने काम करने के अंदाज से रशिया के सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में काफी नाम कमा लेते हैं। फिर इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से इनकी मुलाकात रशिया के नेशनल लेवल पॉलिटिशियंस और उनकी टीम से होने लगती है एंड इनके काम करने और तौर तरीके से इनकी रीजनल लेवल सक्सेस की वजह से इन्हें 1996 में मॉस्को बुला लिया जाता है प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन के एडवाइजर के तौर पर काम करने। नाउ ध्यान से सुनना, जब ये उस दौरान प्रेसिडेंट के एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे होते हैं तो ये बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि उस दौरान रशिया को इंटरनेशनल लेवल पर कितना वीक समझा जाने लगा। अब आप सोचोगे कि इन्होंने ये कैसे ऑब्जर्व किया, तो देखो एक इंस्टेंस होता है 1998 में। उस टाइम पुतिन की आंखों के सामने उस समय के यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन को कॉल करते हैं और उनको उस कॉल पे बताते हैं कि अमेरिका रशिया के एक एलाई सर्बिया पे एयर स्ट्राइक्स करने वाला है। येल्सिन को यह सुनकर गुस्सा आता है, बट रिएक्शन के तौर पर वो उस कॉल पे क्लिंटन को चिल्लाकर बोलते हैं दिस इज अनएक्सेप्टेबल और फोन काटते हैं। अब देखो ये पूरा मैटर क्या था, अमेरिका सर्बिया पे क्यों अटैक करता है, इसके ऊपर तो एक पूरी अलग वीडियो बन सकती है, लेकिन फिलहाल आप बस इतना समझो कि बिल क्लिंटन जो धमकी बोरिस येल्सिन को देते हैं और बोरिस येल्सिन उस धमकी पर जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं उसका कोई भी असर अमेरिका पे नहीं पड़ता और बाद में अमेरिका सर्बिया पे एयर स्ट्राइक्स कर ही देता है। और अमेरिका ने जिस तरीके से बोरिस येल्सिन की बात को टाला था, जैसे नजरअंदाज किया था, ये किस्सा पुतिन के दिमाग में रजिस्टर हो जाता है और भले ही पुतिन उस टाइम पर सिर्फ एक एडवाइजर थे, लेकिन वो ठान लेते हैं कि जिस भी दिन वो रशिया के प्रेसिडेंट बनेंगे उस दिन के बाद से रशिया की बातों को, उनकी बातों को अमेरिका या कोई भी देश हल्के में लेने की कोशिश भी नहीं करे। और ठीक जैसा पुतिन ने सोचा था वैसा ही होता है। 1999 तक पुतिन के काम को इतना रिकग्निशन मिल चुका होता है कि उन्हें 1999 में रशिया का प्राइम मिनिस्टर बना लिया जाता है। नाउ सी, अब यहां से ठीक इसी सेकेंड से इस वीडियो का पूरा डायरेक्शन ही चेंज होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा कि कैसे व्लादिमीर पुतिन, जो कि केजीबी के एक नॉर्मल ऑफिसर थे, वो कैसे रशिया के प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन तक पहुंच जाते हैं और कैसे एक्सीडेंटली एक नॉर्मल ऑफिसर से एक प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। बट अब यहां पर सवाल ये उठता है कि चलो एक बार प्राइम मिनिस्टर बनना तो समझ आता है, लेकिन आखिर व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा क्या किया कि वो लगातार 1999 से लेकर आज तक रशिया को नॉन स्टॉप लीड किए जा रहे हैं। एंड व्हेन आई से नॉन स्टॉप, तो यहां पे एक कैच है जो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊं। 1989 के बाद से व्लादिमीर पुतिन की आंखों के सामने जिस तरह से यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ और जिस तरीके से यूएसएसआर की इज्जत दुनिया की आंखों में कम हुई, उसे देखने के बाद व्लादिमीर पुतिन ये ठान चुके थे कि कुछ भी करना पड़े लेकिन वो किसी भी हाल में अपने रहते हुए तो रशिया को कमजोर कतई नहीं दिखने देंगे। अब होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही ये 1999 में रशिया का प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उसी टाइम पे रशिया में मॉस्को और कुछ दूसरे इलाकों में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं जिसमें 300 लोग मारे जाते हैं और 800 से ज्यादा लोग उस बॉम्ब ब्लास्ट में इंजर्ड हो जाते हैं। रशियंस में इस इंसिडेंट के बाद तो मानो मतलब देशभक्ति और गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि बस रशियंस खुद सरकार को कह रहे होते हैं कि कुछ भी करो
बस जिसने भी ये बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं उन्हें खत्म कर। अब इस इंसिडेंट के बाद पुतिन जो करता है उसे ठीक से समझना। देखो 1991 में जब यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ था तो कई छोटे छोटे देश रशिया से अलग हो गए थे, और फिर से 1999 में रशिया का ये रीजन चेचन्या रशिया से अलग होने की डिमांड कर रहा था। अब पुतिन क्या करते हैं, वो एक इंटरव्यू में जाते हैं और उस इंटरव्यू में रशियंस को संबोधित करते हुए ये कह देते हैं कि रशिया में जो भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं वो इन्हीं चेचन्या के रेबल्स ने किए हैं जो आज रशिया से अलग होने की डिमांड कर रहे हैं। उस नेशनल प्रेस में फिर पुतिन एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जिस स्टेटमेंट की वजह से अपने पॉलिटिकल करियर के पहले साल में ही व्लादिमीर पुतिन की पॉपुलैरिटी रशियंस की आंखों में टॉप पे पहुंचा। पुतिन उस इंटरव्यू में कहते हैं कि जिसने भी ये बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं मैं हर जगह उनका पीछा करूंगा, अगर वो टॉयलेट में छिपे होंगे तो मैं उन्हें टॉयलेट से भी खींचकर बाहर निकालूंगा और उस हर एक शख्स को खत्म कर दूं। इसके बाद पुतिन उन रेबल्स के अगेंस्ट एक वॉर छेड़ देते हैं और मिलिट्री ऑपरेशंस को खुद लीड करते हैं, और रशियंस बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए 300 लोगों के बदले चेचन्या में लगभग 80,000 लोगों को मारे। इस एक इंसिडेंट के बाद व्लादिमीर पुतिन को पूरी रशियन पॉपुलेशन एक मसीहा, एक रिलायबल लीडर समझने लगती है। बट इस चेचन्या वॉर के अलावा भी एक और फैक्टर था जिसकी वजह से रशियंस के सामने व्लादिमीर पुतिन की एक मसीहा वाली इमेज एस्टैब्लिश हो पाई। वो फैक्टर ये था कि व्लादिमीर पुतिन से पहले जो भी लीडर्स थे, रशिया के जो भी लीडर्स थे, वो वीक लीडर्स थे। फॉर एग्जांपल बोरिस येल्सिन जो थे वो एक अल्कोहलिक थे, उन्हें एक ढीला लीडर समझा जाता था। एंड बोरिस येल्सिन से पहले जो मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के लीडर थे उन्हें भी एक वीक लीडर समझा जाता था, क्योंकि रशियंस ऐसा समझते थे कि जो लीडर यूएसएसआर को टूटने से नहीं बचा पाया वो किस बात का लीडर। और इसीलिए बैक टू बैक इन दो वीक लीडर्स के बाद रशियन पॉपुलेशन को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की झलक देखने को मिली थी व्लादिमीर पुतिन। फिर यहां से शुरू होती है पुतिन की एक बोल्ड, रिलायबल और रूथलेस लीडर कहलाने की जर्नी। सन 2000 में प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन सडनली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, अपनी प्रेसिडेंट की पोजीशन वो व्लादिमीर पुतिन को सौंप देते हैं। एक साल तक एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करने के बाद 7 मई 2000 के दिन व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ लेते हैं। नाउ उस दिन से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एंड 23 साल आगे आकर आज के दिन को देखते हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि रशियंस पुतिन को वन एंड ओनली लीडर के तौर पर देखते हैं। मेजॉरिटी रशियंस के लिए आज भी पुतिन का कोई दूसरा अल्टरनेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा लगता है कि पुतिन ने रशियंस पे कोई जादू कर दिया, क्योंकि पुतिन जो भी डिसीजन लेता है मेजॉरिटी रशियंस उस डिसीजन का सपोर्ट करते हैं, एंड दिस इज द पुतिन पावर। बट अगर आप एक क्यूरियस इंसान हो तो आप ये जरूर पूछोगे कि चलो लोग पुतिन को पसंद करते हैं ये समझ आए, लेकिन आखिर पुतिन ने रशिया में ऐसा क्या किया कि वो लगातार नॉनस्टॉप रशिया को लीड करते जा रहे हैं। इसीलिए अब बात करते हैं कि पुतिन ने आखिर रशिया में क्या क्या चेंजेस लाए। नंबर वन, पुतिन से पहले बोरिस येल्सिन जो प्रेसिडेंट थे वो नाटो और उसकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी नाटो से डर के, अमेरिका से डर के, वो मन मार के नाटो और उसकी पॉलिसीज को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे, अमेरिका को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे। लेकिन पुतिन का कहना था कि पास्ट में जो भी होना था हो गया, यूएसएसआर ने जो भी भुगतना था भुगत लिया, अब मैं किसी भी बाहर वाले की बातों में आकर या नाटो या किसी भी बाहर वाले के चक्कर में पड़कर रशिया को और नहीं टूटने दूंगा। इसीलिए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका या नाटो किसी को भी रशिया के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करने देना चाहते। उनका कहना है दैट आई डोंट वांट एनीवन टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ रशिया। दूसरा पॉइंट है ऑटोक्रेसी। पहले तो आप ऑटोक्रेसी का मतलब समझो। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। किसी देश का ऐसा सिस्टम जिसमें सारी पावर एक ही इंसान के हाथ में होती है। पुतिन ने जब सन 2000 में एज अ प्रेसिडेंट शपथ ली तो नियम यह था कि प्रेसिडेंट का टेन्योर जो होता था वो 4 साल का होता था जैसे अमेरिका में होता है, और नियम यह भी था कि कोई भी लगातार 2 बार एज अ प्रेसिडेंट सर्व नहीं कर सकता। मतलब एक बार अगर आप सिलेक्ट हुए, आपने 4 साल के लिए एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया, दूसरी बार आप फिर सिलेक्ट हुए तो आप 4 साल फिर से एज अ प्रेसिडेंट सर्व करोगे, लेकिन 8 साल के बाद आप दोबारा एज अ प्रेसिडेंट सर्व नहीं कर सकते। अब यहां पर पुतिन ने एक गेम खेली, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेम खेली। इन्होंने सन 2000 से 2004 तक एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया, एंड अपनी उस सर्विस के दौरान इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टीम फॉर्म की, अपने हिसाब से एक टीम सेलेक्ट की जिसपे इनका पूरा दबदबा था, एंड फिर अपने टेन्योर में इन्होंने इतना तगड़ा काम किया कि रशिया की जीडीपी को अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही 90% से ग्रो कर दिया। अब रशिया में ये जो जीडीपी ग्रोथ हुआ था उसकी वजह से रशियंस का लाइफस्टाइल बेहतर हो गया था, रशियंस को एज अ प्रेसिडेंट ये बहुत पसंद आए थे, इसीलिए 2004 के बाद फिर से इन्हें ही सिलेक्ट किया गया।
ये 2008 तक फिर से प्रेसिडेंट थे, बट इन्हें ये पता था कि अब 8 साल लगातार सर्व करने के बाद ये फिर से प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, तो इन्होंने एक गेम खेली। इन्होंने अपने ही एक चेले दिमित्री मेदवेदेव को प्रेसिडेंट का चुनाव जितवा दिया और खुद अगले 4 साल के लिए एज अ प्राइम मिनिस्टर चुनाव जीतकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर्व किया। अब देखो, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने क्या किया, संविधान ही बदल दिया। इन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट की शक्तियां हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास रहेंगी उस दौरान। और सिर्फ इतना ही चेंज नहीं किया इन्होंने संविधान में, इन्होंने संविधान को इस कदर चेंज कर दिया कि अब ये सन 2036 तक लगातार रशिया को लीड कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इन्होंने रशिया के संविधान के साथ कुछ इस तरह से छेड़छाड़ की कि अब इन्होंने रशिया को ऑटोक्रेसी की तरफ मोड़ दिया। तीसरा है लीडरशिप पर्सनैलिटी। पुतिन से पहले रशिया के जो लीडर्स थे उनकी इमेज कुछ इस तरह की थी मीडिया में, लेकिन पुतिन ने स्पेशली अपनी एक इमेज क्रिएट की, एक स्ट्रॉन्ग, एक बोल्ड इमेज। इनकी इस तरह की आपको कई वीडियोस देखने को मिलेंगी, ये इनकी इमेज क्रिएशन का एक हिस्सा है। ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि अब रशिया का जो लीडर है वो कोई वीक लीडर नहीं है, वो एक बोल्ड, पावरफुल और रूथलेस लीडर है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है क्रैकडाउन। इन्होंने 2012 के बाद से ही एक नीति अपनाई। देखो, आपको रशिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे कई आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जिसमें लिखा होगा कि जो भी व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट आवाज उठाने की कोशिश करता है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। ये इनकी एक रणनीति है ताकि इनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत ही ना करे। इनफैक्ट रशिया में तो कुछ ऐसे भी नियम है जिनके अकॉर्डिंग अगर रशिया में कोई फालतू में प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी करता है तो उस पे क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं और फाइंस भी लगाए जाते हैं। देखो, इन पॉइंट्स के अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने रशिया को किस तरीके से चेंज किया, लेकिन अगर मैं हर एक पॉइंट को कवर करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से ये जरूर समझ आ गया होगा कि कैसे व्लादिमीर पुतिन, जो कि केजीबी के एक नॉर्मल ऑफिसर थे, वो रशिया की नेशनल पॉलिटिक्स में एंटर हुए, और नेशनल पॉलिटिक्स में एंटर होने के बाद उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज वो नॉनस्टॉप रशिया को इतने सालों से लीड कर रहे हैं और शायद आगे भी लीड करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो की एडिटिंग पसंद आई, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें हमारी जर्नी में सपोर्ट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।